जय भीम साथियों, जय भीम आर्मी। मुझे आज लाइव आना पड़ा क्योंकि मैं एक समस्या को महसूस कर रहा था, सोचा आप लोगों से शेयर करता हूं। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए, मेरे आदर साहब काशीराम को नमन करते हुए, सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, ज्योतिबा फुले, पैरियर साहब, गुरु नानक देव, संत कबीर, दशरथ मांझी, भगत सिंह, उधम सिंह, आप सबको नमन करते हुए एक जरूरी बात जो आपसे करनी है, जो पूरे देश से बहुजन समाज के लोग भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि चंद्रशेखर ईमानदार की बात कहे, तो एक बहुत जरूरी बात आप लोगों से करनी है। और वो बात इसलिए भी जरूरी है कि यूपी में और यूपी से सटे उत्तराखंड में एक बड़ी घटना हुई, तो मैं थोड़ा सा परेशान, और जब मैं परेशान होता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे अपने लोगों से बात करनी चाहिए, उनसे जो है उनके बीच में जो है अपनी बात रखनी चाहिए। अब धीरे धीरे इससे लोग जुड़ जाएंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा, क्योंकि ये बात जरूरी है और जो लोग युवा काम कर रहे हैं उनको समझनी पड़ेगी, क्योंकि सामाजिक मूवमेंट में समाज में जो कुरीतियां उनको हमें दूर करना पड़ेगा। अगर हम उन्हें नहीं कर पाते हैं तो दूर नहीं कर पाते तो बेकार हो जाएगा। एक बड़ी घटना हुई, मुझे मध्य प्रदेश से आना पड़ा और मध्य प्रदेश के जो प्रोग्राम थे 10, 11, 12 तारीख के, वो मुझे कैंसिल करने पड़े। 9, 10, 11 के मुझे आना पड़ा। वो मुझे आना भी चाहिए था, हमारे लोगों की बात थी, जिन लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे थे उन्हीं की बात। अब ये जो घड़ी बड़ी घटना है, इस पर मैं कुछ जानकारी जो आप लोग देना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुने आप लोग और इसे सब तक पहुंचाए, यही एक माध्यम है मेरे पास, क्योंकि बड़ी बड़ी खबरें ब्लैकआउट हो जाती हैं। 108 लोग मरे हैं और 50 से ज्यादा, 60 से ज्यादा भी हॉस्पिटलों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और मैं जैसे हमेशा कहता हूं, मैं एक आम कार्यकर्ता हूं, एक आम आदमी हूं, बाबा साहब का बेटा हूं, कोई नेता नहीं हूं, तो ईमानदारी की हक की बात कहना और जिस चीज के लिए हमने मूवमेंट तैयार की उसके लिए लड़ना बहुत जरूरी है, उसे सही रास्ता दिखाना, उसको लेके जाना, उससे समाज का भला करना, ये जो एक नेतृत्व व्यक्ति कर रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है, उसको करना चाहिए। और जब आप उसे प्रेम करते हैं, मुझे सुनते हैं, तो मैं ये भी चाहूंगा पूरी ईमानदार से कि आप उन बातों पर अमल भी करें जो मेरे द्वारा कही जाती। मैं बहुत दिन से लगातार कह रहा हूं कि शराब बंद कर दीजिए, शराब बंद कर दीजिए। अब मैं सहारनपुर वाले मामले में प्रकाश डालूं, पिछले 1.5-2 महीने से भीम आर्मी की टीम सहारनपुर में लगातार ये प्रशासन को, सरकार को बता रही थी अवैध शराब बिक्री है, अवैध शराब बेची जा रही है, प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रहा है, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी को बताया जा रहा है तो पहले ही फोन करके उनको सूचित कर दिया जा रहा है जो इस काम को कर रहे हैं। तो जब हमें ये एहसास पहले हो चुका था और हमने बात बार बार रखी है, मेरे पास एविडेंस है कि हमने इसमें तहरीरें दी हैं, हमने थाना क्षेत्रों को के अधिकारियों को, थाना अध्यक्ष को, कोतवाल को बताया है अवैध शराब बिक्री है, इससे नुकसान हो जाएगा लोगों को परेशानी हो जाएगी, लोगों की जिंदगी चल जाएगी, हमने कहा और सरकार ने, प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो अगर आज ये बहुत बड़ी घटना घटी है तो कहीं ना कहीं ये हत्या है, क्योंकि जब प्रशासन, सरकार बहरी हुई बैठी रही, आंखें होते हुए देखना नहीं चाहा, कान होते सुनना नहीं चाहा, तो इसका मतलब उन्हें लोगों की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज रोने चिल्लाने से क्या होगा। मैंने एक मांग उठाई मुआवजे की, और मुआवजा मैं क्यों मांग रहा हूं, मैं इसलिए आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये हत्या है, इसलिए हत्या की सरकार को, प्रशासन को पता था शराब बिक्री, क्योंकि बिना प्रशासन के जानकारी के, बिना प्रशासन के सहयोग के, शराब माफिया के साथ जो उनके अच्छे रिश्ते हैं उनके बिना ये दारू नहीं बिक सकती थी, और इससे जो पैसा प्राप्त होता है उनसे उनके घर भरते हैं। बहुजन समाज के लोग तो हमेशा ऐसे पी के नुकसान उठाते हैं, चाहे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जाए, चाहे उनका फिजिकली उनको नुकसान हो, चाहे वो बीमार हो जाए, चाहे वो हॉस्पिटलों में रहें, और चाहे वो एक्सीडेंट होके
या शराब से जो दुष्परिणाम है पीने से, उसके बाद वो मर जाए। अब मैंने जो डिमांड उठाई वो डिमांड मैं आप लोगों के बीच बताऊं कि 25 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी। और मैं जस्टिफाई करना चाहता हूं मैंने क्यों उठाई। मैं जब उन बच्चों से मिला, सैकड़ों ऐसे परिवार थे, जब मैं उनके बीच गया तो घर में दो दो जवान बेटियां हैं, घर में पांच पांच छोटे बच्चे हैं, छह छह छोटे बच्चे हैं। ईमानदारी से अगर मैं बात को रखूं तो किसी भी सूरत में 2 लाख रुपए जो सरकार जो मजाक करने का काम कर रही है, इसमें एक बेटिया की शादी नहीं हो सकती है। तो जो व्यक्ति घर का कमाऊ व्यक्ति था, जो घर का लालन पोषण कर रहा था, जो घर को चला रहा था, वो चला गया है, तो ये मजाक नहीं है तो और क्या है। ये सरकार का जो मनुस्मृति का दोहरा कानून यहां लगा, न्याय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन देखिए कि जब सरकार के की गलती से हत्या हुई तो उसका मुआवजा भी सरकार को देना चाहिए। प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा है, सरकार चुप, प्रशासन चुप। प्रशासन के अधिकारी जब पैसे लेते हैं इसके एवज में, तो वो हत्या में शामिल हुए नहीं हुए, वो इस हत्या को करवा रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए, और वो पैसे आगे किसी नेता को दे, मंत्री को दे, कहीं दे, यानी कि सरकार की देखरेख में ये सब चीजें चल रही हैं। और यूपी के मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि 10 रुपए ज्यादा दो शराब की बोतल पे, यानी कि उनको शराब के दुष्परिणाम पता है, लेकिन गाय की जिंदगी बहुत कीमती है तो कह रहे हैं आप ज्यादा दें पैसे लेकिन शराब पिए। और शराब बहुसंख्यक मात्रा में जो ठेके हैं वो हमारी गलियों में हमारे उसमें खोले गए हैं, जिससे कि लोग खूब शराब पिए और इनका सामाजिक विकास भी ना हो पाए, इनका जो आर्थिक विकास है वो भी रुक जाए, और ये आपस में लड़ते रहें शराब पी के। बहुत सारे दुष्परिणाम है, आपस में लड़ाई हो जाती है, शराब पी के एक्सीडेंट हो जाता है, शराब पी के आदमी को चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को जबरन शराब पिलाई जा रही है। मैं बार बार कहता हूं देश संविधान तो चलेगा, लेकिन गलत है, देश मनुस्मृति चल रहा। मैं साबित करता हूं अभी कि देश मनुस्मृति चल रहा है। एक संपन्न समाज के व्यक्ति को के साथ जब रात को 1 बजे दुर्घटना होती, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, उसको 50 लाख रुपए मुआवजा, नौकरी, और एक जब दलित शोषित पिछड़े मुसलमान के साथ इतनी बड़ी होती, 108 परिवार में को हानि हुई, 108 परिवार टूट चुके हैं, कोई नहीं बोलता है, किसी को तकलीफ नहीं होती है, एक नेता नहीं आता आप लोगों के बीच, एक व्यक्ति मरता है नितिन तिवारी नाम का। मैं ये भी नहीं जानता नितिन नाम था या तिवारी क्या था, लखनऊ में, और एकदम से सारे नेता अगले उसके घर बैठे थे, मीडिया ने खूब चलाया, 108 परिवार मर गए, एक एक मिनट की न्यूज अगर दिखाई जा रही तो ये कि भीम आर्मी ने वहां जो है बंद का ऐलान कर दिया, भीम आर्मी धरना करी, बस ये। आप ये बताओ, जो लोग हमारे वोट लेते हैं उनको फर्ज नहीं बनता 108 परिवार टूट चुके हैं, क्या हम आज भी वोटर बने हुए? क्या किसी नेता को इस दलित समाज की, मैं संख्या भी बता दूं, 11 लोग मरने वाले गुर्जर समाज के, ओबीसी जाति के लोग हैं, और 5 से 8 लोग जो मरे हैं मुस्लिम भाई हैं मेरे, और बकाया सारी संख्या दलित समाज की है। तो मैं जानना चाहता हूं क्या एक नेता को भी हमारी फिक्र नहीं है? सब लोग, एक व्यक्ति सामान्य जाति का एक व्यक्ति मरता है, उसके घर जाते हैं, उसके परिवार को बुलाते हैं, बैठ के बात करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, और यहां मेरे इतने लोग मर गए, मेरा परिवार इतने उजड़ चुके हैं, एक नेता बड़ा आके उनके दुख सुख में शरीक नहीं हुआ, एक नेता ने ये नहीं कहा कि नहीं हम ये मदद करेंगे। क्या आज भी हम अछूत बने हुए हैं? एससी एसटी ओबीसी के लोग अछूत बने हुए हैं, उनके लिए वो नहीं आना चाहते? सबको सामान्य वर्ग के लोगों की चिंता है, हमारे लोगों की चिंता किसे? मैं मानता हूं शराब की वजह से मरे, लेकिन शराब तो सरकार पिला रही है ना। अगर सरकार चाहती है कि वो लोगों को बचाए तो सरकार यूपी में शराबबंदी क्यों नहीं कर रही? आप शराब बंद कर दीजिए पूरे प्रदेश में, आप पूरे देश में बंद कर दीजिए, हम समर्थन करते हैं अगर सरकार ऐसा करती है, लेकिन सरकार तो खुद बढ़ावा दे रही है कि पीजिए, और जब बढ़ावा दे रही है तो एक दवाई आती है फेमोजिल, शायद कुछ ऐसा नाम है, और शराबबंदी, शराब इस देश में बड़े पैमाने पर यूज होती है, लेकिन वो दवाई पूरे देश में नहीं है, वो दवाई विदेश में है, वो यहां नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको पता है कि मोस्टली जो है ये बहुजन समाज के लोग पीते हैं, मरने दीजिए।
इतनी परेशानियां हो रही हैं, इतनी परेशानियां हो रही है कि यहां का प्रशासन तो मरने वालों की संख्या से ही नहीं बता रहा है। अभी तक डीएम साहब ने कहा कि 36 लोगों की डेथ हुई है सिर्फ अल्कोहल के कारण, बकाया के भी पुष्टि नहीं हुई है। सब लोग जान रहे हैं लेकिन नहीं, तानाशाही चल रही है, कोई नेता कुछ बोलेगा नहीं, किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ना योगी जी को इंसानों से प्रेम है, ना योगी जी की तरफ से कोई आता है, ना किसी और अन्य दल से आके कोई इनके दुख में शरीक होता है। ये साजिश के थ्रू ये हत्याएं की गई हैं, ये साजिश बना के हत्याएं की गई हैं पूरी। इनको पता है कि बहुसंख्यक रूप से बहुजन समाज के लोग शराब पीते हैं, तो जानबूझ के पूरी साजिश से लोग ये किया गया है जिससे लोग शराब पिए और मर जाएं। वरना शराब तो बहुत दिनों से पीते आ रहे थे, आज तक क्यों नहीं मरे इतनी ज्यादा संख्या में। और 102 परिवारों के लोगों की जान गई, एक नेता को दिक्कत नहीं हो रही है कि वहां के एक सामान्य जाति का व्यक्ति मरा था। मैं कह रहा हूं सारे नेता चले गए थे, कोई पार्टी नहीं बची, लेकिन यहां इतना बड़ा कुछ हो गया कि एक नेता को नहीं लगा, सब लोग कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। एक नेता आने को राजी नहीं, का दुख साझा करने को राजी, सरकार से पूछने को राजी नहीं कि उन आबकारी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई, सस्पेंड कर रहे हैं, उस थानाध्यक्ष पर क्या कार्रवाई हुई, सस्पेंड कर क्या होगा, फिर बहाल कर दोगे तुम उसे, लेकिन मेरे लोग जो हत्या होगी उसकी सजा कौन देगा उसे। मैं सरकार में नहीं हूं, ना मैं विपक्ष में हूं, मैं कहीं नहीं हूं, मैं लड़ सकता हूं रोड पे आके, मैं लड़ रहा हूं और मैं लड़ता रहूंगा, मैं लगातार लड़ता रहूंगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं अपने साथियों से कि 110 परिवार के जो उजड़ गए हैं, जिनके 5-5 बच्चे जो बिल्कुल विकास की मुख्य धारा से, जो समाज से बिल्कुल हट जाएंगे आने वाले 2 महीने में, क्योंकि उनके 6-6 बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती, उस परिवार की जो बुजुर्ग माँ बाप है उनकी देखभाल नहीं हो सकती, उनके लिए मैं आर्थिक मुआवजे की बात कर रहा था कि एक आर्थिक मुआवजा हो जाए जिससे उन पीड़ित परिवार के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, या सरकार शिक्षा की व्यवस्था कर दे, हमें नहीं चाहिए सरकार का पैसा। उस बहन के लिए जो विधवा होगी, सरकार एक पेंशन की व्यवस्था कर दे कि उसका आत्म सम्मान से जीवित रहे, वो सम्मान से अपना जीवन यापन कर सके। जब तिवारी जी की घरवाली को नौकरी मिल सकती तो उस बहन को नौकरी क्यों नहीं मिल सकती। ये मनुस्मृति का न्याय है कि एक ही जाति को न्याय मिलेगा और किसी को न्याय नहीं मिलेगा। एक तरफ 50 लाख, एक तरफ 2 लाख, पलटा देखिए। एक तरफ सारे नेता जाके बैठ जाते हैं, एक तरफ कोई नहीं आता है, बहुजन समाज के लोग लड़ेंगे। बहुत बुरी स्थिति है, मनुस्मृति से न्याय हो रहा है और हमें न्याय नहीं मिल रहा है, और न्याय हमारा जन्म से अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। मैं मेरठ गया रात में, 27 लोग गए, 18 लोग की मौके पे मौत, एक दिन में 18 लोग मर गए। और जब मैं पहुंचा कि जानने की क्या दिक्कत आ रही है, तो जाके देखा कि जूनियर डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, सीनियर डॉक्टर एक नहीं, मैंने बुलाया कहाँ है बुलाइए, तो सीनियर डॉक्टर है ही नहीं, कह रहे वो रात में ड्यूटी पे ही नहीं है। तो मुझे बताइए वो जूनियर डॉक्टर बचा लेंगे क्या, 18 लोग मरे। मैं रात को टाइट करके आया तो सुबह खबर आई 10 बजे की 6 लोग और मर गए। फिर मैंने वहां के एडीएम को पूछा, एडीएम साहब तो कहीं बाहर थे, मैंने एडीएम से पूछा कि बताए क्या है, तनख्वाह लेते इतनी मोटी मोटी, हमारे लोग में कौन सी, ये हायर सेंटर कौन था जिसमें इतने लोग मर रहे हैं। तो मुझे दिखाई दिया कि वो भी जाति का चश्मा देख के कि कौन लोग हैं, इलाज देना है नहीं देना ये देख के इलाज कर रहे हैं। ऐसे में कहां इलाज होगा, कहां न्याय होगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और लोग ये सोच के कि चलिए शराब पी के मर गए, मैं जानना चाहता हूं शराब भी तो सरकार ही पिला रही है, शराब बंदी हो जाए लोग शराब कहां से पिएंगे। लेकिन समाज ये भी ना भूले कि जब हम समाज की बात करते हैं तो वो जो परिवार जो उजड़ चुके हैं वो भी हमारे परिवार है, और वो बच्चे जो शिक्षा के, जिनके लिए दरवाजे आज बंद हो चुके हैं आर्थिक कमजोरी कारण, वो बहनें जिनके आत्म सम्मान को बड़ी तकलीफ हो चुकी है क्योंकि अब उन्हें दिहाड़ी मजदूरी करके रोड पे जाके लोगों खेतों में काम करके अपना जीवन चलाना पड़ेगा, इसलिए मैं लड़ रहा हूं। मैं भी जानता हूं जो बुजुर्ग माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चा पाल दिया था, लेकिन वो मेरा भाई शराब पी के चला गया, लेकिन बुजुर्ग माँ बाप को रोटी कौन देगा। तो मैं इसलिए तड़प रहा हूं, इसलिए चाहता हूं कि जो सरकार द्वारा सोची समझी तरीके से ये हत्याएं की गई, जो ठेके हमारी बस्तियों में जानबूझ के खोले जाते हैं दलित और पिछड़े समाज, वो परेशानियां होती रहे जो होनी चाहिए, ये बार बार समाज के ढांचे से, मुख्य ढांचे से ना जुड़ जाए, तो ये बड़ी सोची समझी साजिश हो रही है। और इस साजिश में मुझे नजर आ रहा है कि हमारे लोगों के पक्ष में कोई व्यक्ति नहीं खड़ा है।
और मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जो लोग बीमार हैं उनका इलाज नहीं हो रहा है, और अगर इलाज हो भी जाएगा उनको आंखों से नहीं दिख रहा है, तो उनके लिए भी मुआवजे की व्यवस्था हो। और कोई नेता नहीं आए भाई, सब लोग अपनी एसी में आराम से सोए, क्योंकि आप उनके लिए तो आप वोटर हैं, वोट आपको देनी है, तो वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से पढ़ के सोए। लेकिन भीम आर्मी लड़ेगी, चंद्रशेखर लड़ेगा। मैंने अपने नौजवान साथियों से कहता हूँ पूरे देश में शराबबंदी के खिलाफ अभियान चलाएं, ये बहुत जरूरी चीज है। मैं साहब काशीराम को पढ़ रहा था, मैं कुछ डेट भी बताऊंगा, उन्होंने आंदोलन किए हैं, उन्होंने शराबबंदी का काम करवाया, जेल भी काटी है, तो हम जेल भी काट लेंगे लेकिन शराबबंद करवा के रहेंगे। और मैं अपने युवाओं से, बहुजन समाज के जो पूरे देश के युवा जो काम करते हैं, मैं कहना चाहता हूँ ये बड़ा ऐब है, ये बहुत बड़ी बुराई है समाज में, इसे खत्म करवाने में मदद कीजिए। भीम आर्मी पाठशालाओं में बच्चों को प्रेरित कीजिए शराब ना पिए, और अपने माँ बाप से भी वो जाके बात करें शराब ना पी जाए। मैं लगातार आके अपनी बात रखता हूँ बहुत मुद्दों पे, लेकिन मैं बड़ी तकलीफ में हूँ। मेरा चेहरा देख के आप समझ सकते हैं किस तरह परेशानी में झेल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने 108 परिवार को जड़ते हुए देखा है, और उनके लिए कोई नहीं खड़ा है भाई, कोई नहीं खड़ा है उनके लिए। ना कोई उनकी बात कर रहा है, ना उनके लिए कोई लड़ रहा है, ना कोई कह रहा है सरकार ने मजाक कर दी 2 लाख रुपए मुआवजा, और 2 लाख रुपए में आज भैंस भी नहीं आती, और वो इंसान को जीने की बात कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ 6 बच्चों का क्या होगा, कितने दिन ये 2 लाख रुपए चलने वाले हैं। मैं कोई अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं समाज के लिए लड़ रहा हूं, लोगों से चाहता हूं कि वो भी लड़ें, वो इस चीज को समझे कि सरकार द्वारा प्रायोजित हत्याएं हैं, और ये आगे भी रहेगी। आज हमने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो ये आगे भी रहेंगी, और ये हमें भुगतनी पड़ेंगी। मैं तो चाहता हूं पूरे देश में शराब बंद हो जाए, हमें नहीं चाहिए शराब, ना हमें पीनी है, लेकिन सरकार को राजस्व चाहिए ना, सरकार को राजस्व चाहिए। तो सरकार इन हत्याओं में, जब ये हत्याएं होंगी, ये भी बिल्कुल सांठगांठ से होती है कि कुछ पैसे वहां से इधर से जो है शराब माफियाओं को प्रशासन देता है, उनके नेताओं के उगाही पे आबकारी विभाग देता है कर्मचारियों को, तो जो पैसे ले लेके पहले घर बता देते हैं आने से पहले, जो लोग हमारे लोग शिकायत भी करते हैं। मैंने कहा एविडेंस है मेरे पास कि हमारे लोगों ने एप्लीकेशन की कि साहब अवैध शराब बिक्री, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और ये भी गवाह है कि बाल्लूपुर से जहां चल रहा था, वहां जब हमने शराबबंदी करवाई 2014 में, तो आप भरोसा कीजिए 4 लड़कों के खिलाफ 376 मुकदमा आज भी हमारे भीम आर्मी टीम झेल रही है, वहीं के लोगों ने करा दिया और पुलिस ने तुरंत कर दिया पैसे लेके। और एक गांव पड़ता है भाटूखेड़ी, शायद नाम है उसका उत्तराखंड में, वो बहने मुझे मिली थी, वो कह रही हमने शराब बंद करवाई थी भैया, 14 लोगों पर मुकदमा है। तो पुलिस ने मुकदमा जब उल्टा कर रही है हमारे ऊपर शराब बंद करवाने पे, तो यानी कि पुलिस किसकी तरफ से काम कर रही है, उनकी तरफ से। तो जो लोग पैसे ले लेके बहुत मजे से अपनी हमारे लोग की हत्या करवा रहे थे, आज उन अधिकारियों पर मैं चाहता हूँ मुकदमा दर्ज हो, 120 भी का उनको जेल भेजा, उनको पता है सिर्फ सस्पेंड करने से कुछ काम नहीं चलेगा। न्याय बराबर होना चाहिए, न्याय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं बाप से बार बार कह रहा था कि मैं दिखाता हूँ, साहब काशीराम ने तारीख काशीपुर 15 जनवरी 1987, आपने शराब भट्टी के लिए काम किया, शराब भट्टी बंद करवाने काम किया, कटरा चांद का शराब की भट्टी से ब्राह्मण क्षत्रिय ठेकेदार पिछड़े समाज से 50 लाख रुपए हर वर्ष लूटते थे, साहब ने बंद कराई। हमें गैर लोकतांत्रिक मंसूबों को नाकाम करना है साहब काशीराम, बरेली मोर्चे के अंतर्गत लखनऊ मार्च की जनसभा, आज ये सब चीजें बंद होगी, आज सिर्फ वोट चाहिए, आज सामाजिक काम एक नहीं करना है। और जो सामाजिक काम करेंगे उनको कहा जाएगा कि ये तो एजेंट है, ये तो एजेंटगिरी कर रहे हैं। जबरन शराब पिलाना बंद करो साहब काशीराम, लखनऊ 1 फरवरी 1987। मैं बस ये पूछना चाहता हूं, क्या एक नेता को तकलीफ नहीं होती है जब हमारे लोग मरते हैं? क्या एक नेता के पास इतना समय नहीं राजनीति से अलग हटके कि जिस समाज से तुम लोग राजनीति कर रहे हो उस समाज की तरफ भी देख भी लिया जाए? क्या उनके बीच में जाने का एक नेता में दम नहीं, उनकी बातों का जवाब देने किसी में दम नहीं है? क्या हमारा सबसे बड़ा गुनाह ये है कि हम इन दलित पिछड़ी मुस्लिम जातियों में पैदा हुए? क्या हमारे नेताओं की सोच भी हमारे लिए यही हो गई है? क्या वो भी स्वर्ण जाति के हो चुके हैं? क्या उनकी मानसिकता स्वर्ण जाति की हो चुकी है कि वो भी, उनका कोई बड़ा नुमाइंदा भी हमारे बीच आके हमारी तकलीफ नहीं सुनना चाहता? ये सरकार गूंगी बहरी है, इसको जगाने के लिए धमाके की जरूरत है। और मैं मन मना चुका हूं कि मैं पूरे देश में शराबबंदी के लोगों को प्रेरित करूंगा, लेकिन इस सरकार को न्याय के लिए, इस सरकार से न्याय मांगूंगा और झुकाने का काम करूंगा। लेकिन मेरी ताकत, मैं बार बार कहता हूं कि वो लोग सरकार में बहुमत में, मैं समाज में बहुमत हूं, तो मेरा समाज मेरे साथ है, इसलिए मैं ये लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ सकता हूं।
मेरा बहुत बहुत निवेदन है नौजवानों से, मेरे साथियों से, समझाएं अपने परिवार को, हमें कुरीतियां खत्म करनी पड़ेंगी। चाहे ये तीजे तेरहवीं का मामला हो, इसमें शराब परोसी जाती है, चाहे शादी ब्याह का में शराब परोस जाती है, सब चीजें इन पे सब पे पाबंदी होनी चाहिए। जब हमें पता है शराब जहर है तो हम क्यों पी रहे हैं, क्यों पिला रहे हैं? अभी अभी जल्दी रविदास जयंती आ रही है, सदगुरु रविदास जी की जयंती आ रही है, उस पर भी लोग पियेंगे। मेरा निवेदन है युवाओं से, सदगुरु जी ने कभी नहीं कहा कि आप लोग शराब पी के जयंती मनाइए, तो हमें शराब का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना चाहिए। हमारी गली उसमें ठेके हो, हम इनको लठ भी मार के भगा देंगे। मैं सरकार से कह रहा हूँ कि क्या तो वो अपने आप हटवा दें ठेकों को, वरना ऐसा ना हो कि हमें लठ मार मार के भगाने पड़े लोग, क्योंकि कल हमारे लोग मरेंगे, सरकार को तकलीफ नहीं होगी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा गया सहारनपुर में शराब की दुर्घटना में जो लोग मरे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि मरे, हमें क्या तकलीफ है, मरना चाहिए, हमें तकलीफ है, हम अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। छोड़े तो किसके सहारे, क्योंकि मैं तो देख चुका कोई नेता नहीं आया, ना किसी को तकलीफ हुई। तिवारी दौड़ाई मरा जनाब, दलित पिछड़े मुस्लिम मरे हैं, इसलिए किसी को तकलीफ नहीं, सबको वोट भी उनके चाहिए, चाहे हमारा नेता हो चाहे किसी दूसरी जाति का नेता हो, सबको उनकी वोट चाहिए। इन बहुजनों की वोट किसी को नहीं चाहिए। 108 परिवार और अभी भी 50 से लेकर 100 के करीब परिवार जो है जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नहीं भरोसा कब एक और खबर आएगी कि आज 2 लोग और मर गए, आज 4 लोग और मर गए हैं, किसी को परवाह नहीं है। 2 दिन ट्विटर ट्विटर खेला जाएगा, 2 दिन फेसबुक पे प्रेस विज्ञप्ति जारी होंगी, और फिर उसके बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा। लेकिन मैं इसको ठंडे बस्ते में नहीं जाने दूंगा, मैं प्रयास करूंगा अब शराब की वजह से मेरा एक भी व्यक्ति ना मरे, क्योंकि मैं सामाजिक मूवमेंट चला, मुझे तकलीफ। तो जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझे भाई मानते हैं, ईमानदार जो मेरे साथ खड़े हैं, वो शराब ना पिए आज के बाद। मैंने कल भी 2 गांव में शपथ दिलाई थी, मैं आपसे भी आज शपथ दिलाने के लिए आया कि ये जानबूझ के हमारी हमें भटकाने काम करेंगे, हमें लालच देकर शराब पिलाने काम करेंगे, इस बुराई को हमारे अंदर डालने काम करें, हमें इससे बचना है। और बिल्कुल जो नौजवान कसम खा लें, वो शपथ ले लें भारत के संविधान की कि वो शराब नहीं पियेंगे, वो शराब नहीं पियेंगे, वो शराब के से जुड़ी हुई चीजों से दूर रहेंगे, नशे से जुड़ी चीजों से दूर रहेंगे, और वो किसी भी तरह से, क्योंकि इस संघर्ष में मुझे आपके एक एक भाई की जरूरत है, मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। लेकिन अगर आप शराब पी पी के मर जाएंगे तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? मैं अकेला इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता, मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे विश्वास दिलाएंगे कि आप शराब नहीं पियेंगे, और लोगों को प्रेरित करेंगे कि शराब ना पिए, क्योंकि शराब के पीने से जब आप कुछ हो जाता है कल, तो बहुत सारे घर उजड़ते हैं, मैं अपने लोगों को उजड़ते हुए नहीं देख सकता हूँ। तो मैं चाहता हूं कि आप जागरूक हों और इसे ईमानदारी से इस पे काम करें और लोगों को तैयार करें कि शराब छोड़ें, क्योंकि शराब मन से छूटती है, इसलिए छोड़ें कि उनका परिवार कल अगर वो चले जाएंगे तो उनके परिवार को बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेगी। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं अपने साथियों से, अपने भाइयों से, अपने युवाओं से, अपने बुजुर्गों से, अपनी बहनों से कि बुराइयों से दूर हो जाइए, ना बुराई होगी ना मुसीबतें आएंगी। और मैं उनकी तकलीफ महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनके बीच में गया। छोटे छोटे बच्चे मुझे कहते हैं हमारी पढ़ाई कैसे होगी, तो बड़ी तकलीफ में हूँ, 2 दिन तो पिछले बड़ी तकलीफ में हूँ कि मैं उनको क्या जवाब दूँ। और मैं कोई मुख्यमंत्री थोड़ा ही हूँ, मैं कौन हूँ जो उनको क्या उनके लिए व्यवस्था करा दूँ। बस मैं समाज से कह सकता हूँ कि भविष्य में ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना दोहराई जाए। तो आपसे निवेदन, शराब से दूर हो जाइए, और मेरी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के, पूरे समाज को तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ के इसमें मेरी मदद कीजिए। बहुत परेशानी है, मैं जिन गांव में भी गया वहां भी हमारे लोग शराब के आदि हो चुके हैं। मैं उनसे भी निवेदन करके, कुछ लोगों ने मुझे भरोसा भी दिलाया कि भैया वो शराब नहीं पियेंगे। नौजवान से कहते ऐप से बचें, इस बुराई से बचें, और जो लोग कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि कृपया इस ऐप से बच के इसमें हमारी मदद कराएं, इस मुहिम को मजबूत कराएं। और गांव गांव में ये मौका है, सरकार फिर सो जाएगी 10 दिन बाद, आप लोग जाग जाइए, फिर कोई भाई ना मरे, फिर कहीं से खबर ना आए कि शराब के कारण ये सब चीजें होगी। मेरा निवेदन है कि आप इसे बड़े पैमाने पर तैयार हो और शराब बंदी के खिलाफ गांव गांव में मुहिम चलाएं और लोगों को जागरूक करें कि शराब से छुटकारा पाए, शराब को बंद कर दें। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय बहुजन समाज, जय संविधान, जय साहब काशीराम। फिर आपसे मुलाकात होगी,
हम जब तक हैं इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे ईमानदार से, लेकिन आपके सहयोग चाहते हैं कि आप इस लड़ाई में, जो लोग हमसे प्रेम करते हैं हमारी बात को इस लड़ाई मान के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय संविधान।